जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बड़े फैसले के बाद हिलसा के युवाओं में जश्न का माहौल है। भाजपा, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मंगलवार की संध्या हिलसा स्थित दुर्गा स्थान से जुलूस निकालकर स्टेशन रोड, डकमंगला, काले स्थान, बिहारी रोड में घूमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने होली, दशहरा और दीपावली के साथ मनाया। कर्ताओं ने इस फैसले के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। कहा, जम्मू कश्मीर की धारा 370 से भारत को मजबूती मिलती है, साथ में आतंक का खात्मा होगा। इस फैसले पर बजनेश कुमार विद्यार्थी ने बताया, सच में अब जाकर भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ है, यह जीत भारतीय की जीत है। उन्होंने बताया कि श्यामा मुखर्जी का सपना बाकाई आज साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक ध्वज की बात कही जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने साकार कर दिया। आपको बता दें, सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर के पूर्ण गठन विधेयक को पेश किया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। बहुत खुशी की लहर है। आज कहता कि आज टाइगर जिंदा है, वो है नरेंद्र मोदी। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो अमित शाह, जो आज इंडिया इतिहास रच दिया। आज पूरे देश में कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर है तो वो है अमित शाह जी हैं, जो पूरे देश के इतिहास रच के रख दिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी जी अमित सिंह जी अमित शाह का नाम रहेगा। भारतवासी जानते हैं कि 370 धारा और 35 से भारत के लिए एक कोड बना हुआ था। 70 वर्षों से जो एक कोड चला रहा था, उसको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए इन्होंने जब साहसिक फैसला लिया, वो युगों युगों तक याद रहेगा। भारत की पहचान एक सशक्त भारत के रूप में होगी और भारत अपना अखंड बनेगा और इनका अगला कदम पीओके भी होगा, भारत माता की। 57 में ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि जो कि हमारा कश्मीर हमारा हो, किंतु उनका आज नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने आज उनका सपने को साकार किया है। भारत माता की जय। केंद्र की भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी की सरकार में जिस तरह कश्मीर समस्या का समाधान आया है, यह वाकई सराहनीय है। जो लोग कल तक कह रहे थे कि कश्मीर की जो समस्या है उसे खत्म करने के लिए, 370 धारा को खत्म करने के लिए हम खून की नदियां बहा देंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि भारत को खंडित कर दिया जाएगा, तो यह उन सभी के मुँह पर तमाचा का काम है। क्योंकि कश्मीर में जो 370 धारा समाप्त किया गया, जो 35 धारा समाप्त की गई, उसके बाद कोई भी अलगवादी नेता जो कभी अपने आप को तीस मार खा समझ रहे थे, जो कह रहे थे कि पूरे देश में आग लग जाएगी, पूरे देश में रक्तपात होगा, आज वो छू तक नहीं कर पा रहे हैं, प्लस उनकी गिरफ्तारी तक हो चुकी है। यह सशक्त भारत का एक संदेश है। पूरी दुनिया भारत की शक्ति से परिचित हो चुका है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला है, और वह दिन दूर नहीं जब हम कश्मीर तो छोड़िए, कश्मीर तो हमारा अपना हो गया, पीओके और सीओके दोनों भी भारत का हिस्सा रहेगा। भारत माता की जय।